तो हेलो एंड इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में जो आप लोगों को मिल सकता है। एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जो भी बीएससी के थर्ड ईयर में है या फिर एमएससी के फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। द नेम इज़ MTTS, उसको बोलते हैं, बहुत ही फेमस है। जो भी मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको MTTS के बारे में पता तो ज़रूर होगा, या अगर नहीं भी पता होगा तो उसने नाम ज़रूर सुना होगा, राइट। तो MTTS इज़ अ मैथमेटिकल ट्रेनिंग एंड टैलेंट सर्च की बात करते हैं जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स NBHM के द्वारा फंडेड है। तो ये इनिशिएटिव जो है हमारे प्रोफेसर एस कुमारसेन के द्वारा लिया गया है। ऑब्वियसली हम लोग एस कुमारसेन सर को तो सब लोग जानते हैं, उनकी लिखी हुई रियल एनालिसिस की बुक हमने सब ने या तो पढ़ी होगी या तो उस बुक को हाथ में तो लिया ही होगा, राइट। तो ये उनके द्वारा ही एक तरह से स्टार्टेड है और ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो कि मैथ्स में हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं या फिर मैथ्स को और अच्छे से समझना चाहते हैं। जनरली क्या होता है, जब हम बीएससी के थर्ड ईयर में होते हैं या फिर एमएससी के फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हमें मैथमेटिक्स का उतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं पता होता, या फिर जो भी हम थियरम्स को प्रूफ करते हैं हमें ये नहीं पता होता कि हम थ्योरम को क्यों प्रूफ कर रहे हैं, कैसे प्रूफ कर रहे हैं, हम अगला स्टेप लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, राइट। हम जनरली क्या होता है, बुक्स में से पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और ख़त्म कर देते हैं, राइट। बट उनका हमें एक्चुअली अप्रोच नहीं पता होता है जो कि हमारे रिसर्च वर्क में काम आता है मोस्टली हायर स्टडीज़ में। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है कि मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है, वो भी आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे सब लिया जाता है। आपको जो भी इंटरेस्ट है तो मैथमेटिक्स में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे लाया जाए, मतलब थ्योरम जो भी प्रूफ्स होते हैं उनका प्रूफ को और इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे अप्रोच किया जाए, तो ये सब चीज़ें MTTS में आपको सिखाई जाती हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि MTTS अटेंड कर चुके हैं और मैंने भी अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं MTTS अटेंड नहीं कर पाया। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि MTTS अटेंड कर चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा है कि वो लोग मैथमेटिक्स की एक नई डायमेंशन को देख के आते हैं जब वहाँ से आते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैथमेटिक्स जो कि BSc के थर्ड ईयर में है और फर्स्ट ईयर ऑफ MSc में है। तो जैसा कि मैं बता दूँ कि बैकग्राउंड ऑफ जो मैथमेटिक्स है वो 1993 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स को एक तरह से बूस्ट करने के लिए ही किया गया है कि मैथमेटिक्स में लोगों का हायर स्टडीज़ को थोड़ा सा और बूस्ट किया जाए और इंटरेस्टिंग बताया जाए, उनको बताया जाए कि रिसर्च कैसे होते हैं एंड ऑल दैट, राइट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एम ऑफ द प्रोग्राम क्या है। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू एक्सपोज द ब्राइट यंग स्टूडेंट टू एक्साइटमेंट ऑफ द डूइंग मैथमेटिक्स, टू प्रमोट इंडिपेंडेंट मैथमेटिकल थिंकिंग एंड प्रिपेयर देम फॉर द हाई एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली आपको खाली ये मतलब बताया जाता है कि आप मैथमेटिक्स को जो है एक्सप्लोर कैसे करोगे, आप सोचोगे कैसे मैथमेटिक्स में और चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ों को अप्रोच कैसे करोगे एंड ऑल दैट, राइट। नाउ तो उसके बाद ये एकेडमिक प्रोग्राम में उनकी जो मेथोडोलॉजी है पढ़ाने की वो क्या होती है, अराउंड एक या आई डोंट नो कितने महीने का प्रोग्राम होता है, अराउंड एक या फिर 20 दिन का कुछ प्रोग्राम है, जहाँ पर पहले क्या होता था ये फिजिकली होता था तो अलग अलग IITs या फिर IJERS में ये कंडक्ट होता था और वहाँ पर स्टूडेंट को पर्सनली बुलाया जाता था और वहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। बट ड्यू टू द कोरोना की वजह से क्या हो रहा है कि ये अभी ऑनलाइन चला गया है प्लेटफॉर्म। तो एक अच्छी बात है कि स्टूडेंट अपने अपने घर पे रह के या फिर अपने इंस्टीट्यूट में रह के भी कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। तो BSc थर्ड ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए या फिर MSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है। द प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड इन पर्सन विद द लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यू टू द COVID-19। तो COVID-19 की वजह से क्या होगा, प्रोग्राम जो होगा वो होगा इन पर्सन होगा, बट मतलब ऑफलाइन होगा, मतलब फिजिकली होगा, बट COVID-19 की वजह से वो क्या होगा कि बहुत लिमिटेड नंबर्स ऑफ सीट जो है वो यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिंक है, इस लिंक पे जाके या फिर MTTS के वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर क्या है कि आपको टीचर्स के रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं, तो अपने आपके जो भी टीचर्स हैं BSc में या फिर MSc में तो आप उनसे रिकमेंडेशंस ले लीजिए। रिकमेंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में और साथ साथ आपके गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी इसमें मैटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेड सिचुएशन क्रिएटेड बाय द पेंडेमिक MTTS हैज न्यू डायमेंशन बाय द कंडक्टिंग द प्रोग्राम ऑनलाइन एंड एडेड अ न्यू प्रोग्राम लाइक ऑनलाइन फाउंडेशन। तो बेसिकली ऑनलाइन फाउंडेशन का जो कोर्स है वो ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि कोरोना की वजह से ही चीज़ें जो है वो ऑनलाइन कर दी गई हैं। और इम्पोर्टेंट डेज की हम बात करते हैं तो देखिए 25 जनवरी को मतलब कल से ही फॉर्म जो है वो स्टार्ट होगा, लास्ट डेट जो है वो 15 फरवरी है और सिलेक्शन का जो लिस्ट है स्टूडेंट का वो 20 फरवरी तक आ जाएगा और प्रोग्राम जो डेट है वो 7 मार्च से लेके स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद जो भी उनका शेड्यूल रहेगा उसके हिसाब से वो करेंगे। ऑर्गेनाइजर्स
तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला आप नाम देख ही सकते हैं, प्रोफेसर एस कुमरेसेन है जो कि हैदराबाद से हैं, और डॉक्टर अजित कुमार आईसीटी बॉम्बे, राइट। तो ये है आपका लोकेशन जहाँ पे ये प्रोग्राम फिजिकली कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। ये आपका लोकेशन है छत्तीसगढ़, बिकॉज ये छत्तीसगढ़ के लिए ही स्टूडेंट के लिए फिलहाल, तो ये छत्तीसगढ़ में आईआईटी भिलाई में ये प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट होने वाला है। यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन आईआईटी भिलाई के बारे में दिया गया है कि आईआईटी भिलाई कैसे स्टैब्लिश हुआ एंड ऑल दैट, राइट। तो और एमटीटीएस ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो अभी आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल जो ये प्रोग्राम है अभी एमटीटीएस का, वो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के लिए भी प्रोग्राम है, उसके भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएंगे तो हम आपको बता देंगे, राइट। वो भी फिजिकल मोड में कंडक्ट करने की बात अभी चल रही है कि उसको फिजिकल मोड में मई या जून के महीने में कंडक्ट किया जाए, बट ड्यू टू द पेंडेमिक अभी हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते, क्या पता क्या हो। तो फिलहाल के लिए तो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं और जो थर्ड ईयर बीएससी में या फिर एमएससी फर्स्ट ईयर में, वो प्लीज़ इस फॉर्म को भरें और एमटीटीएस का जो प्लेटफॉर्म है या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आप प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाएं। इतने बड़े बड़े नाम के मैथमेटिशियंस इंडियंस के इंडिया के जो हैं, इनसे मिलना ये कोई आम बात नहीं है, राइट। इनके अंदर रह के आप सीखना भी कोई आम बात नहीं है। तो हाँ, प्रोग्राम जो है मार्च 7 से मार्च 12 के बीच में, सॉरी हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दिया, तो आप लोग देख लीजिए, 5 दिन का प्रोग्राम है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं। थैंक यू।